तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो को हम रिएक्ट करने वाले हैं, वो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो का टाइटल है इल्यूमिनाटी रूलिंग बॉलीवुड इंडस्ट्री बाय टीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ यूट्यूब चैनल। सो ओरिजिनल वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग में जो भी इंटरेस्टेड हो गए इस चैनल को जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग जाए वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इल्यूमिनाटी बॉलीवुड में आ चुका है, मतलब कैसे किस तरह से रूल कर रहा है बॉलीवुड में इल्यूमिनाटी। सो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में दोस्त, अभी थंबनेल सलमान खान, सैफ अली खान, हनी सिंह। थंबनेल में दोस्त सैफ अली खान एंड जो एक फेमस बॉडी बिल्डर, उसकी फोटो बनी थी, जैसा कि आप साहिल खान नाम है। कि हमारे अतराफ, हमारे टीवी में देखने वाली चीज़ें हों, खाने पीने की चीज़ें हों या वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं इनके छोटे हॉटस्पॉट्स इल्यूमिनाटी के बनते जा रहे हैं। इनका मकसद तो आपको पता है, ये लोग एक वन सिस्टम, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं। ये तो सबको छोटा छोटा पता है, मगर जैसे ही हॉलीवुड वगैरह वेस्टर्नाइज कंट्रीज में ये चीज़ का क्रेज था और आम कर दिया गया था, अभी वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में और इल्यूमिनाटी कहा जाता है दज्जाल का, दज्जाल की जो आर्मी होगी आने वाली, ऐसे ऐसे सपोर्ट करते हैं। बस जो नेम से मुस्लिम्स हो, इनका जो असल टारगेट हो वो मास में किया जाए। ये लोग यूजुअली यूथ को टारगेट करते हैं क्योंकि अडल्ट होशमंद रहता, यूथ क्या है उसकी ग्रोइंग एज रहती, मेंटल कैपेसिटी बच्चे की। साहिल खान सोचो भाई, मुसलमान होकर ऐसे वक्त ही उन लोग का ब्रेन वॉश कर दो जो वक्त इनका ब्रेन मैच्योर होता। बहुत ये बंदे मैच्योर होते, फ्यूचर में जाके कुछ अलग चीज करना चाहते हैं, गानों में और ओपनली अपने सॉन्ग्स में। हनी सिंह को आप, ये सब साइन जो इल्यूमिनाटी के होते हैं भाई। रिपोर्टर्स इनसे पूछते थे कि आप ये क्यों यूज कर रहे हैं, कि आपको इस चीज का मतलब पता है, तो बोलते थे कि नहीं, ये बहुत फैसिनेटिंग दिखा, मैं बहुत हटके चीज दिखी, एकदम एक लव दिखा वगैरह, मतलब एक अजीब खसम की नॉनसेंस। क्योंकि सभी को पता है दुनिया में कि इल्यूमिनाटी एक ऐसा स्लो पॉइजन है, बर्बाद करता है देशों को, युद्ध को, मीडिया को, और सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है और अपने मेन बाप के लिए जिसका नाम है इजराइल। दोस्तों इतना ही नहीं, 2022 में महेश भट्ट और हनी सिंह एक नए वेब सीरीज के साथ आगे आ रहे हैं। दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इल्यूमिनाटी। जब इनसे पूछा गया कि ये क्यों, तो बोल रहे हैं कि एक नए किस्म का लव फैलाना है सोसाइटी में, एक नए किस्म का एलिमिनेशन जो कि एनलाइटन करेगा व्यूअर्स को। मतलब आप बोलोगे दुनिया में शैतान बुरी चीज है, मगर उसकी बात असली मीनिंग इसी की है, ये इल्यूमिनाटी की शैतान की पूजा करना। सारे आते हैं, इनका तो इल्यूमिनाटी प्रोडक्शंस वगैरह मालूम है, मगर सैफ अली खान के सडनली पीआर टीम इंडिपेंडेंट पेपराजी है, वो लोग क्या किए, एकदम पोस्ट करना शुरू करिए वीडियो। सैफ अली खान के हाथ पे टैटू कौन सा है, सैफ अली खान ने क्या टैटू लगाया, जूम इन करके ये लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं, पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, किसी को पता नहीं होता। भाई आप चलते हुए जा रहे हैं, आप क्या शर्ट पहने, क्या पैंट पहने, चलिए होता है सेलिब्रिटीज के साथ, पर्टिकुलरली क्या टैटू चल रहा है। जूम इन करके देखा गया तो एक ट्रायंगल बनी हुई है और अजीब तरीके से उसे फोकस किया गया। आप लोगों को तो मालूम होगा तैमूर के मीम्स बनना शुरू हो गए थे, उनके माँ बाप से ज्यादा बच्चे की ज्यादा पीआर टीम काम कर रही, तो एक टैटू तैमूर का भी मशहूर हो गया जिधर एक बहुत बड़ा बाप के वैसा इल्यूमिनाटी वाला टैटू बन रहा था। अब अफसोसनाक खबर क्या, ये तो भाई नेमसेक सेलिब्रिटीज है, इनको आखिर का लेके कुछ नहीं होता। तो जब आप लोग किसी को रोल मॉडल मानते हो, जब आप किसी को अपना आइकॉन मानते हो, तो देख समझ लो मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए जिंदगी बहुत छोटी है और ये जिंदगी में अगर आप लोग भटके हुए रहेंगे तो हम ना कुछ फायदा नहीं है जिंदा रहने का, क्योंकि आखिरत एटर्नल है और जन्नत भी एटर्नल है। लोग हमेशा अपने रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं, दुनिया सिर्फ गोल घूमना, सुबह होना, शाम होना, आप खाना पीना सो जाना, इसको जिंदगी नहीं बोलते। सबका एक पर्पस होता है जिंदगी में, वो पर्पस उसको ढूंढने की जरूरत है और आपको ही अपनी जिंदगी जरूरी है, क्योंकि आप उठे, ब्रश करे, खाना खाए, काम करे, फिर वापस आए, सो गए, ये जिंदगी नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है अभी दुनिया में। अफसोस होने वाली चीज, यूथ के लिए एक बहुत बड़ा आइकॉन, फिटनेस फ्रीक, फिटनेस आइकॉन, मतलब टीनेजर्स पागल है इसके लिए। ये जो भी चीज के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट करता है, पब्लिक पागल होके वो चीज को लेना शुरू। इसने भी कोई क्लब अभी, तो मैं बात इल्यूमिनाटी क्लब के बारे में और उसके लेटेस्ट इल्यूमिनाटी रेस्टोरेंट या बार के बारे में। अफसोस की बात है, दुबई में खुला है इल्यूमिनाटी क्लब है दुबई में, जो कि वही नाम के साथ खोला गया। अफसोसनाक चीज, यही साहिल खान उसके बचपने में, सबसे बड़ी बात तो ये, आप लोग खुद वीडियो देखिए, ये मदरसे में कुछ पारे ही दिख गया इसमें। मेरे आशियाने का नाम क्या है, इतने प्राउडली बोलते हैं भाई ये सब, मतलब कोई शर्म नहीं है। देखो पूरे ही तो है भाई, और क्या है इसके अलावा, क्यों रहे उसको, उसको इज्जत इतना दे रहा, जितना इज्जत अल्लाह को देना चाहिए उतना दूसरी चीज को दे रहे हो। और मेरा
आशियाना का नाम है एग्जैक्टली इल्यूमिनाटी। और ये नाम सुनने के बाद लोग क्या कहेंगे? वैसे के पीछे था संदेह है सब। उसे खुद पता है कि ये नाम यूज करने के बाद लोग क्या कहेंगे। वो वही चीज को चूम रहा है जो कि सबसे बड़ी फितनेबाजी पूरे दुनिया में फैलाने वाला है। और वो काना दज्जाल होगा, सिंगल आई यूज करना, क्योंकि काना दज्जाल एक आंख से अंधा होगा और एक आंख से उसकी विजन रहेगी। और इसका अगर ये खोलने का शौक भी था तो ये स्पेसिफिकली यही वर्ड क्यों यूज किया? ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़कियां उतरती हैं ऊपर से, बहुत खूबसूरत। बहुत सारे शोज आपने देखे होंगे दुबई में, हमारा शो भी देखिएगा। और तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी यार, मतलब देखने में कितना ज्यादा अफसोस हो रहा था कि जो साहिल खान, जिसको कि इतने यूथ फॉलो करते हैं, खासकर मुसलमान जो लड़के हैं, फिटनेस के हवाले से उनको इतना ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, सो उसके वजह से इतने लोग इनके वजह से गलत रास्ते पर होंगे। क्योंकि इतने गलत गलत रास्ता जो करेगा, जिसको फॉलो करेगा बंदा, तो उसी के सेम कदम पर जो फॉलोअर्स होंगे वो भी चलेंगे। यानी कि बॉलीवुड वाले चाह रहे हैं कि इल्यूमिनाटी एक नया सीक्वेंस लाया जाए, ताकि नई दुनिया की एक सोच होती है इल्यूमिनाटी, यानी कि जो शैतान को पूजना और ये सब करना। सो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है, साहिल खान और सैफ अली खान इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं पहले से, और सैफ अली खान ने तो टैटू वैटू बनवा लिया। और साहिल खान की बहुत ज़्यादा अफसोस बात थी कि उसने मतलब कि ऐसा क्लब खोला और इल्यूमिनाटी के नाम से वो भी, और सारे सिंबल्स विम्बल्स बने। आप सभी को बताना कमेंट्स में आप कैसी लगी वीडियो, और अपने अपने जरूर से राय बताना कमेंट्स में। सो अगर अच्छी लगी वीडियो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर से कर देना। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।